दोस्तों नमस्कार। आप जानते हैं असम से एक तस्वीर आई थी पिछले दिनों, वीडियो था, और उस तस्वीर को देख करके पूरे देश के अंदर जिन लोगों ने वो तस्वीर देखी उनकी रूह कांप गई थी। आज़ादी के 70 सालों के इतिहास में शायद ही ऐसी कोई तस्वीर आई रही हो। वो तस्वीर थी असम के दरांग ज़िले से, जिसमें कि वहाँ के जो निवासी हैं उन पर हमला किया था सुरक्षा बलों के जवानों ने, जो असम स्टेट की पुलिस है, उनको खाली कराने के नाम पर उनके घरों पर हमला किया गया, और उसमें जब उन्होंने प्रतिरोध किया तो उन पर गोली चलाई गई। और उसमें एक जो तस्वीर आती है, एक शख्स लाठी लेकर के आता है और उसे रोका जा सकता था आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि असम जो पुलिस थी उसके पास सारे हथियार थे, पूरी तैयारी के साथ हो गई थी, बुलेट प्रूफ जैकेट उन्होंने पहन रखा था। लेकिन उसको ना केवल सीने में उसके गोली मारी जाती है, बल्कि उसके बाद एक शख्स जो वहाँ के जिला प्रशासन की तरफ से कैमरा लिए हुए था, तस्वीर खींचने के लिए लगाया गया था, उसके सीने पर कूद कूद के जो है रौंदता है, और जो वहाँ पुलिस थी वो देख रही होती है, सब कुछ उसके संरक्षण और उसकी निगरानी में हो रहा होता है। और ये घटना पूरे देश के लोगों का दिल दहला दिया। और क्यों हुआ, ये कैसी घटना है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, ये तमाम सवाल लोगों के जेहन में है। लिहाजा हम लोग भी जानने के लिए उत्सुक थे, कुछ रिपोर्ट्स आई थी, लेकिन आंखों देखी रिपोर्ट हम लोगों को मिली है अभी। और कविता कृष्णन जो CPML की पोलित ब्यूरो सदस्य हैं, उन्होंने दौरा किया है, ग्राउंड जीरो पर गई थी, लोगों से बातचीत की हैं, पूरी घटना उन्होंने अपनी आंखों से कही थी, उसका ब्यौरा सुना है लोगों के जरिए। और अभी क्या कुछ सरकार वहाँ कर रही है और क्या कुछ करना चाह रही है उसको लेकर के विस्तार से हम बातचीत करेंगे कविता से। कविता जी, आपने मतलब वो तस्वीर तो पूरे देश ने देखी है, और हर कोई जो भी इंसानियत जिसके अंदर है थोड़ी भी, वो उसका विरोध कर रहा है। आप जब वहाँ गईं तो क्या हुआ, कैसे पूरा घटनाक्रम क्या रहा, उसके बारे में बताइए। देखिए, उस जगह का ज्योग्राफी और हिस्ट्री थोड़ा सा समझना होगा। उस जगह पे जो लोग बसे हैं वो बहुत पहले से बसे हैं, कई दशकों से बसे हैं, कम से कम कई दशकों से, ये कहा जा सकता है कि एक सदी से बसे हैं, सेंचुरी से बसे हैं, ये भी कहा जा सकता है कुछ उनमें से, कम से कम एक हिस्से के बारे में। तो ये ब्रिटिश ज़माने में मजदूर के रूप में लाए गए बंगाली भाषी लोग हैं, उन एक हिस्सा वैसे लोगों का है। कुछ हैं जो कि 60-70 के दशक में आ गए इंडिया में, 71 से पहले, और बस गए हैं। और ऐसी ज़मीन है वहाँ पे जिस पे खेती करना बहुत मुश्किल है। ब्रह्मपुत्रा महान नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर जहाँ इनकी ज़मीन थी, उनके पास कागज़ वागज है सब ज़मीन का, वो ज़मीन नदी खा गई है। तो उस ज़मीन से बेदखल होकर के, फ्लडिंग की वजह से बेदखल होकर के वो आ गए हैं सरकारी ज़मीन पर। तो वैसे, और वो आप वर्षों पहले भी अगर आप गूगल सर्च करके देखिए तो पता चलेगा कि वहाँ पर बार बार ये आरोप लगता रहा है कि बांग्लादेशी लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया है और क्या क्या। अब ये क्या चीज़ है ये समझने के लिए मैं तो आगे और बताऊंगी, लेकिन हम लोगों को वहाँ पहुँचने के लिए भी समझिए कि गुवाहाटी से बहुत दूर नहीं है, लेकिन जब आप उसके नज़दीक पहुँचते हैं तो आपको वहाँ पर जाने के लिए बोट से जाना होगा, बोट से जाना होता है। और रास्ते में लगातार दिख रहा है, बोट से जाने के बाद भी फिर बाइक पे पैदल काफ़ी देर तक जाना पड़ता है गांव तक पहुंचने के लिए। और मैं तो बाइक से जब जा रही थी तो रास्ते भर में हमने देखा कि घर तोड़े हुए हैं चारों तरफ, और सिर्फ टूटा नहीं है, जलाया गया है। घर में जो अनाज वनाज होता है उसको जलाया गया है। तो समझिए कि कौन ऐसा करता है भाई, घर तोड़ना, सब कुछ तोड़ देना, आपकी बगीचा नष्ट कर देना, खाना नष्ट कर देना, अनाज नष्ट कर देना, जला डालना सब कुछ, ये तो कोई सेना कोई एनिमी सेना करती है, ठीक है, वो भी सिविलाइज्ड सेना के लिए ये मना होता है करना इस तरह से। लेकिन ये एक इसी तरह का एक नफ़रत का ये दिखता है,
ये सिर्फ कोई क्लिनिकल वैसा नहीं है कि अरे चलिए सरकारी ज़मीन पर कोई है तो सरकारी ज़मीन खाली कराने का कोई ये है, ये ऐसा अभियान है ही नहीं। इसमें शुरू से लेकर अंत तक ये बड़ा नफ़रत भरा एक पूरा ऑपरेशन लगता है। और हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो देखे कि नदी के इस पार उस पार दोनों पार में टीन का जो शेड है, टीन का शेड बसाया हुआ, टीन का शेड ऐसे ही लगाए रखा है लोगों ने, और लोगों ने अपने घर का जो जो सामान वो बचा सकते हैं, जो टूटा नहीं है या जो तो कोई चेयर, कोई टेबल, कोई ड्रेसिंग टेबल, कोई माने शेल्फ, कोई बच्चे का स्कूल की किताबें, ये वो जो कुछ भी बचा सकते हैं उसको बचा बचा करके वो नदी पार करा करके ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि वो घर का छत बचा करके वो उस तरफ ले जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे रख करके उस छत के नीचे वो अपना किसी तरह भी चलाएं। तो बहुत ही ख़राब स्थितियाँ, खाना पानी ये सारी चीज़ें उन्हीं के जो बगल में रहने वाले लोग हैं जिनके घर अभी तक नहीं उजड़े हैं उन्होंने अरेंज किया है, वही दे रहे हैं। सरकार ने कुछ नहीं वहाँ योजना बनाई कि इतने सारे लोग बेघर हो गए रातों रात, वो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जो है बारिश होगी तो क्या रहेंगे, धूप में कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, कुछ नहीं सोचा सरकार ने। और ये सिर्फ वहीं जो लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके भी घर टूटेंगे, उन्होंने इंतज़ाम किया है, समझिए कि अपने लोगों के लिए ये इंतज़ाम किया है। हम लोग जब माइनुल के घर पे पहुँचे, माइनुल हक वही हैं जिन्होंने, वो दरअसल उनके हाथ में लाठी भी नहीं थी, घर का जो घर का घर टूट रही थी ना तो घर का ही जो बांस था उसी को लिए हुए थे। तो उसकी कहानी जो लोग बताए कि एक बड़ी मीटिंग लोगों ने की थी जिसमें वो एक साथ मिल करके विरोध कर रहे थे कि हमारे घरों को आप मत तोड़ो। वहाँ पर पुलिस ने पहले हमला किया तो वहाँ पर अफरा तफरी में वहाँ से लोग भागे, तो यहाँ आकर के देखे कि यहाँ भी पुलिस ने घर तोड़ना ओढ़ना शुरू कर दिया। तो लोग इस भय में, डर से कि अच्छा पुलिस के तोड़ने से पहले हम ही लोग घर को एक तरह से तोड़ लें और घर को डिसमेंटल करके वो लेते चलें, मतलब जो बचा पाएँ बचा लें, टूटे टाटे ना कम से कम। तो माइनल के घर के अगल बगल जो हैं जले हुए घर हैं, तो उन्हीं के घर के अगल बगल, तो पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी। और ये जो सो कॉल्ड फोटोग्राफर था ना, वो दरअसल डीएम के ऑफिस से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और वो पुलिस के साथ चल रहा था, वो फोटोग्राफर वीडियोग्राफर ही नहीं था, वो जिला प्रशासन का ही था, तो वो खुद ही इस जलाने में शामिल था। तो ये माइनल हक के घर वाले और वो खुद, वो कोशिश कर रहे थे कि उनके घर को वो खुद ही तोड़ करके, खुद उसका सामान समेट के वो हट जाएं ताकि बचा लें सामान। उसी बीच में पुलिस आती है और ये जो है, अच्छा आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि उसी घर से बहुत दूर नहीं, बाहर को कुछ पेड़ हैं, तो पेड़ों के इस पार पुलिस वहाँ फायरिंग यूं ही कर रही है। तो आप सोचिए कि ऐसा माहौल में कैसा लगेगा, आप सोच लीजिए। ये कोई इनकाउंटर तो नहीं है ना, ये कोई वैसी जगह नहीं है जहाँ कोई आतंकवादी जो है वो अपना घात लगाए बैठा है और आप फायरिंग किए जा रहे हैं। ये घर है जिसमें बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, जिसमें ढेर सारे बच्चे हैं और इन पे क्या आतंक बीतेगा समझिए। वहीं पे पुलिस आकर के माइनल के बगल में बगल घर की एक लड़की को वो पूरी तरह से हाथ पे मारे, तो उसके हाथ में वो टूट गया है, चोट लगी है। और ये देखा माइनल ने, ये देखा कि घर जलाए जा रहे हैं, तो वो घर का ही जो बांस है वो बांस हाथ में लेकर के वो ये फोटोग्राफर आदमी को वो दौड़ा रहा था। वो पुलिस को भी नहीं दौड़ा रहा था, वो फोटोग्राफर आदमी जो सबसे ज़्यादा वहाँ नौटंकी कर रहा था उसको वो थोड़ी देर तक उसने सोचा मैं दौड़ा दूँ, तो दौड़ाने को आप देखते हैं वीडियो में वो दौड़ाते हुए आ रहा है और ये दोनों भाग भी रहे हैं। उसमें सोचिए कि क्या बहादुरी उसकी लगी होगी जिसमें वो ऐसा कर पाया। अभी आपने कहा कि रोका जा सकता था, मैं तो कहूँगी कि उसे रोकने की ज़रूरत ही क्या थी। रोकने की तो ज़रूरत थी ये जो तांडव मचा रहे थे वहाँ पे, रोकने की ज़रूरत थी कहाँ था। कमांड ऑफिसर जो है वो सुशांत विश्व शर्मा, जो हेमंत विश्व शर्मा के अपने भाई हैं एसपी, वो वहाँ, और हेमंत विश्व शर्मा खुद ही कह रहे हैं मैंने ऑर्डर दिया। भाई पुलिस जैसे उनका कोई निजी सेना हो, उन्होंने ऑर्डर दिया। कविता जी मैं यहीं पूछना चाहूँगा, ये जो एविक्शन है या जो खाली कराने का पूरा अभियान है, कि ये प्रशासन अपने से कैसे फैसला ले सकता है कि क्यों हुआ, या हाईकोर्ट का, मैं बता हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, तो अगर हाईकोर्ट से कोई आदेश नहीं हो, मामला चल रहा है पेंडिंग में, तो भी प्रशासन नहीं कर सकता, तो कैसे संभव हुआ।
इसमें कानून व्यवस्था इसका कोई लेना देना ही नहीं है इससे, इसमें कानून व्यवस्था सबको रौंदा गया है इसमें, ठीक है। ये शुरू से लेकर के अंत तक ये पूरी तरह से गैर कानूनी चीज़ थी ये, क्योंकि पहला तो ये बताइए कि भाई किसी चीफ मिनिस्टर आदेश दे देगा और पुलिस जाके कुछ करेगी, पुलिस का अपना व्यवस्था होता ना, पुलिस को तो कहा जाता है उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए दिखावे के लिए सही, लेकिन वो ये खुल के कह रहा है कि भाई हमने आदेश दिया मैंने कराया। फिर इसके भाई वहाँ SP हैं, इसके भाई जो हैं वो कमांड ऑफिसर हैं, आप बताइए कि कोई एविक्शन, सरकारी ज़मीन खाली कराना भाई कहीं पर भी ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है कि लोग जहाँ दशकों से बसे होते हैं वैसी जगह को सरकारें नहीं खाली करती, ठीक। ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि किसी भी सरकार का ले लीजिए, ये लिखा हुआ मामला है कि इसको नहीं किया जाता आमतौर पे, इसे आप जो है वो बातचीत से हल करते हैं और तभी आप खाली करा पाते हैं अगर वो लोग राजी होते हैं कहीं और जाने के लिए। अब आप पूरा लाभ लश्कर ले करके वहाँ पहुँच गए हैं और उसमें गोलियाँ चला रहे हैं और क्या क्या, तो ये भी टोटली गैरकानूनी है। दूसरा कि आप खुद जा करके वहाँ घरों को आग लगा रहे हैं, आप मुझे बताइए कौन सा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है पुलिस का जो कहती है कि आप घर खाली कराने में, ज़मीन खाली कराने में आप लोगों के सामान को आग लगा सकते हैं, कहाँ पर कुछ नहीं है, टोटल इलीगल, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप गोली जो मार रहे हैं, आपने गोली मारा है एकदम सीधे सीने पर गोली मारा, बिल्कुल सही, और उसके बाद सिर्फ उस फोटोग्राफर ने नहीं, पुलिस वाले याद करिए वीडियो में, वो जा करके गिरे हुए आदमी को, माइनल को, वो अपने डंडों से पीटते हैं, उसके बाद उसके शरीर पे वो कूदता है। तो ये जो डंडों से पीटने वाला भी जो काम है वो कूदने वाले के बराबर का काम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहने की कोशिश करें कि ठीक है वो जो फोटोग्राफर जो किया सो गलत है, हिमंत विश्व शर्मा भी कह रहा है, लेकिन हमारी पुलिस जो की वो सही है। लेकिन पुलिस वालों ने भी वही किया जो फोटोग्राफर ने किया, क्योंकि गिरे हुए आदमी को आपको उसकी जान बचाने का जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, और आप उल्टा जा करके उसको मार पीट रहे हैं गिरे हुए व्यक्ति को, जिसको आपने गोली चलाया वो भी गोली नहीं चलाना चाहिए था। ये पूरे दृश्य में एक एक्सेस है जिसको कहते हैं, वो एक्सेस ये नफरत का है, ये कुछ भी इसमें से होना ज़रूरी नहीं था, ये सिर्फ इसलिए इसको रचाया गया है एक नफरत को के दृश्य को बनाने के लिए। ये मत समझिए कि कोई गलती थी, ये कोई गलती से हो गया ये बात नहीं, ये कोई अपवाद स्वरूप नहीं हुआ, होना ही यही था और चीफ मिनिस्टर चाहते थे यही हो, मैं तो मानती हूँ देश के होम मिनिस्टर चाहते थे यही। अच्छा, इसमें कोई कार्रवाई नहीं किया, मतलब बता रहे हैं कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से इंक्वायरी की बात है, लेकिन कोई कार्रवाई या सच किसी प्रशासनिक अधिकारी खिलाफ या किसी जो भी वहाँ इसका दोषी दोषित माना ही नहीं जा रहा है, ये मतलब क्या इसको पचा ले गई सरकार जो है पूरा? पचा क्या, सरकार तो इसमें इसको अपना क्या कहते हैं अपनी उपलब्धि बता रही है, सरकार तो इसके बारे में कह रही है कि बहुत अच्छा किया हमने। तो सरकार देखिए, मुझे तो याद आता है, मैंने सरकार तो खुल करके जैसे नरेंद्र मोदी कहते थे ना, वो फेक एनकाउंटर के बाद कहते थे कि हमने ठीक किया कि नहीं, और पब्लिक कह रही है हाँ ठीक किया, तो ये सरकार असम की सरकार तो ठीक वैसे ही कर रही है। तो लेकिन हमारा कहना है कि कानून के हिसाब से इसमें क्या होने की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट का इसमें आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसे मामलों में, आप एनकाउंटर मामलों में जहां पर भी कोई पुलिस की गोली से मारा जाता है वहां सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसमें सबसे पहले कोई ऐसे थाने द्वारा इंक्वायरी चलाई जाएगी जो ये संबंधित थाना ना हो, ठीक है, अलग थाना, और उसमें सबसे पहले जितने पुलिस वाले हैं उनके सारे जो बंदूक वगैरह हैं वो सब कुछ जब्त हो जाने चाहिए, ठीक है, और जल्द से जल्द इसमें सारा सबूत जुटाना चाहिए, और ये अज्यूम किया जाना चाहिए, मैंने कुल मिला करके पुलिस को साबित करना पड़ेगा गोली चलाने वाले को, हमने अपने बचाव में जान बचाने के लिए चलाई, मेरे जान को खतरा था, ये जब आप साबित करेंगे तभी जा करके ये होता है। और ये दुनिया भर का नियम है, आपने देखा कि जॉर्ज फ्लॉयड वाले मामले में अमेरिका में कैसे हुआ, ठीक है, लेकिन आप समझिए कि यहाँ पर तो कोई सवाल ही नहीं था जान बचाने की, भाई ये लोग तो निहत्ते थे, हाथ में कोई अपने घर का बांस लेकर के दाड़ा दाड़ा चला आ रहा है तो उससे आपकी जान को क्या खतरा है भाई, आप तो ट्रेंड पुलिस ऑफिसर्स हैं, लेकिन आप में से एक नहीं दो नहीं 17 पुलिस वाले खड़े हैं और गोली जिसके हाथ में है बंदूक सब चला रहे हैं, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि कैसा है, लाइन से खड़े होकर के चला रहे हैं। अच्छा कविता जी, आप पे जो वहाँ जो है लोगों से मिली, और क्योंकि अभी सरकार ने कहा कि उसका जो ड्राइव है वो रुकेगा नहीं, जारी रहेगा,
वहाँ से निकासी अभियान, लोग खाली कराने का अभियान, तो लोगों से जो बातचीत हुई वो क्या जो है अब सोच रहे हैं? और सरकार ने कहा था शायद 2-2.5 बीघा एकड़ जो है कुछ अलग से एक जमीन देने के लिए रिहैबिलिटेशन के लिए, ये सब क्या मसला है दोनों साफ करिए। पहला तो ये कि देखिए, रिहैबिलिटेशन का सवाल तो तब उठना चाहिए जब इनकी ज़मीन लेने का अधिकार सरकार को हो। सरकार को इनकी ज़मीन लेने का अधिकार नहीं है, इनके पास ज़मीन के कागज़ हैं। लेकिन असम की एक बहुत ख़ास स्थिति समझनी होगी पहले, कि जिस ज़मीन का कागज़ है इनके पास, जिस पे उन्होंने वर्षों वर्षों तक उन्होंने टैक्स भरा है, माने ऑक्यूपेंसी चार्जेस भरे हैं, ठीक है, भारत में गरीबों के पास इसी तरह के कागज़ होते हैं जिसमें उन्होंने कुल मिलाकर के हम यहाँ रहते हैं इसको हम साबित कर पा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ रहने के चार्जेस सरकार को भरे हैं, ठीक है, वो वर्षों से भरे हैं। लेकिन जिस ज़मीन पर उन्होंने भरा, उस ज़मीन को ब्रह्मपुत्र काट ले गई है, खा गई है, तो उसकी वजह से लोग जो हैं, और ये सिर्फ यहाँ नहीं हुआ है, ये सिर्फ इस समुदाय के साथ नहीं हुआ है, पूरे असम भर में आपको यही स्थिति दिखती है कि लोग बाढ़ से विस्थापित होकर के आ गए हैं दूसरी ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर आ गए हैं। तो अब इस सरकारी बाढ़ पीड़ितों को सरकारी ज़मीन पर बसाना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो ये तो सरकारी ज़मीन पर बसे हुए हैं, इनको आप यहाँ से खदेड़ेंगे क्यों, दूसरी जगह क्यों भेजेंगे? ये तो यहाँ कर रहे हैं, जी रहे हैं, खेती कर रहे हैं, संभले हुए हैं, ये नहीं हटना चाहते, तो आप इनको हटा क्यों रहे हैं? हटा क्यों रहे हैं के लिए सरकार जो कह रही है, सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि ये सब विदेशी हैं, बांग्लादेशी हैं, और ये जो है ये हमारे जो देशी लोग हैं, खिलौंजिया लोग हैं, खिलौंजिया यानी असम के मूल निवासी, असम के मूल निवासी को हम देंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कानूनी रूप से पहला तो ये कि NRC चलाया गया असम में, NRC क्या चला, कैसे चला, कितना क्रूर था, कितना गलत था, कितने गलत तरीके से चलाया गया, वो सब तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो भी चला उसके बाद आपके ये जो दरंग में इस सिप्रझार इलाके के इस खास धौलपुर गांव के जो लोग हैं सारे का नाम NRC में है, तो कभी तो बंद करोगे इनको बांग्लादेशी कहना? कितनी बार इनको साबित करना पड़ेगा कि हम भारत के नागरिक हैं? महत्वपूर्ण बात, ठीक है, कितनी बार जो है इनको जो है कितने टेस्ट लगाओगे? अब इन्होंने वो टेस्ट NRC का, वो बहुत ही माने गलत टेस्ट आपने जो लगाया उसको उन्होंने पार कर लिया, अब आप उन पे कह रहे हैं कि अब एक नया आप ले आ रहे हैं कि ये खिलौंजिया यानी मूल निवासी और गैर मूल निवासी। मूल निवासी की सरकारी परिभाषा क्या है असम में? मूल निवासी की सरकारी परिभाषा तो भाई शेड्यूल ट्राइब हो सकता है, तो शेड्यूल ट्राइब आप मान रहे हैं? नहीं, आप शेड्यूल ट्राइब के अलावा भी मान रहे हैं, आप सबको मान रहे हैं सिवा इनको, आप कह रहे हैं मूल निवासी सब हैं सिवा जो है बंगाली भाषी या नहीं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल आपने बहुत सही एक चीज़ पकड़ी है, अगर कोई भारत का नागरिक है और आपके NRC में वो नागरिक के तौर पर दर्ज हो चुका है, तो जहाँ भी रह रहा है किसी दूसरे नाम पर, तो आप उसका नहीं, उसको नहीं खाली करा सकते ना? बिल्कुल। ये मतलब कैसे हो सकता है, मतलब इसका लॉजिक क्या, मतलब लॉजिक क्या है? लॉजिक सिर्फ इतना है कि आप वो क्योंकि मुसलमान हैं, और देखिए बंगाली भाषी वो कभी उनके दादा परदादा रहे होंगे, आज के समय में उनके सारे बच्चे असमिया मीडियम स्कूल में, सरकारी स्कूल में भर्ती हैं, सरकार स्कूल बनाई हुई है। मेरे साथ जो साथी गए थे बलिंद्र सहकिया जो CPIML के सर्वे कमेटी के मेंबर हैं, वो बता रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई जो असमिया भाषी जो कहलाते हैं, बोले वो तो अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रहे हैं, तो असमिया भाषा को अगर असम में बचना है, बचाने का काम कर रहे हैं, वो तो यही कर रहे हैं जो अपने बच्चों को असमिया मीडियम में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वहाँ हम लोग जब, मैं असमिया जानती नहीं हूँ, मैं कुछ टूटा फूटा बांग्ला जानती हूँ, तो मैंने बांग्ला में बोलने की कोशिश की, तो वहाँ पर कुछ महिलाओं से बातचीत तो हो जा रही थी, लेकिन वहाँ जितने पुरुष साथी थे थोड़े युवा थे, वो सब कह रहे थे हम असमिया में ही बोल पाएंगे, हम बांग्ला जानते नहीं हैं, बोल नहीं सकते। तो इनको आप अभी भी जो है बंगाली मुसलमान, बंगाली मुसलमान, ये बंगाली बंगाली लगा रखा है वहाँ, तो इनको बंगाली कह दिया, मुसलमान कह दिया, यानी बांग्लादेशी हो गए, तो आपका बांग्ला भाषी होना यानी बांग्लादेशी हो गए आप। और ख़ास करके अगर आप मुसलमान हैं, क्योंकि BJP की भाषा में अगर आप हिंदू हैं तो आपको हम माने CA NRC वाले पूरी वही कहानी तो थी कि CA में हम लोग जो है बांग्ला भाषी हिंदुओं को वापस पीछे का रास्ता से ले आएंगे, तो ये सारी चीज़ जो है वहाँ चला रहे हैं लोग खुल करके, मैंने इतनी नंगई से वो कह रहे हैं कि कुल मिला के ये मुसलमान है इसलिए आप उनको ये कर दीजिए, तो ये कम्युनल पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है इसमें। ये जो कम्युनिटी फार्मिंग प्रोजेक्ट की बात कही जा रही है उसकी क्या सच्चाई है, या सिर्फ खाली कराने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है?
देखिए ये ज़मीन रेतीला ज़मीन है, ठीक है, ये नदी के रेत वाली ज़मीन है, बड़ा कठिन होता है इसमें। इसमें समझ लीजिए कि हम लोग इसके बाद ना सिप्रजार के बाद हम लोग अन्य कई इलाकों में गए जो कि इसी तरह से ब्रह्मपुत्रा के बाढ़ पीड़ित इलाका है, बाढ़ के कटाव वाली ज़मीन है ये, जिसको कहते हैं फ्लड प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अक्सर ये होता है कि कई वर्षों तक, क्योंकि उसमें पूरा वो जो मलबा हो जाता है ना, मलबा जब आ जाता है कहीं पर भी, तो मलबा जब भर जाएगा तो समझिए 5-7 साल तक वो ज़मीन उर्वर नहीं होगी, उसमें हमस नहीं बनेगा, उसमें जो बनता है जो ज़रूरी होता है, बहुत कठिन है। हम जहाँ जहाँ गए वहाँ लोग इस तरह के इलाके में जो रह रहे लोग हैं वो कह रहे हैं यहाँ हम नहीं खेती कर पा रहे, अब नहीं खेती कर पा रहे। ये कम्युनिटी ऐसी है जिसने किसी तरह ऐसी ज़मीन में खेती करने का रास्ता निकाल लिया है, समझिए उन्होंने ये स्किल डेवलप कर लिया है वहाँ खेती करने का, और कोई वहाँ खेती कर नहीं पाएगा। वहाँ ये लोग उस मलबे में, उस रेत में से वो सबसे अच्छी अच्छी सब्जियाँ उगा रहे हैं, और गुवाहाटी के मार्केट में जो सब्जियाँ जाती हैं, समझिए यहीं से जाती हैं। अब आप दूसरे किसी को भी ले आइए ना, यहाँ पे वो नहीं कर पाएगा खेती, ये पहली चीज़ समझ लीजिए। एग्रीकल्चरल ज़मीन आपको चाहिए, वो तो पहले से है, ये तो कर रहे हैं एग्रीकल्चर, और कोई कर भी नहीं पाएगा यहाँ एग्रीकल्चर। दूसरी चीज़ की अगर आप देना भी चाहते हैं ज़मीन, तो ऐसी ज़मीन यहाँ बची हुई है जो कि खाली है, सरकारी ज़मीन है, आप दे दीजिए उस ज़मीन को, इस ज़मीन पर क्यों नज़र चला रहे हैं, ठीक है। और ये लोग कुल मिला करके जो देने की बात भी जिनको कर रहे हैं उसमें भी सांप्रदायिक ये कर रहे हैं, जो असमिया मुसलमान है वहाँ पे वो जानते हैं उनको नहीं मिलने वाला, वो कह रहे हैं कि हम अप्लाई कर रहे हैं, हमको नहीं जोड़ रहे हैं इसमें, जिनको जोड़ रहे हैं वो हिंदुओं को जोड़ रहे हैं, वो हमको नहीं जोड़ रहे हैं। अरुणाब सैकिया की रिपोर्ट स्क्रोल के लिए अभी अभी आई है, उसमें ये बात बिल्कुल साफ है, हमने भी यही पाया वहाँ पर। बल्कि एक वहाँ पर जो नाव चला करके हम लोग को ले गया, नाव चला करके, वो था असमिया मुसलमान, यानी तथाकथित खिलौंजिया मुसलमान, जिनको हिमंत बिश्व शर्मा की सरकार कह रही है कि फुसला रही है कि भाई आप लोग तो हमारे साथ हैं, असम के हैं, ये तो बांग्लादेशी हैं, तुम लोग बांग्लादेशी नहीं हो। तो वो कुछ असमिया मुसलमान नेताओं से भी कुछ एक महीना भी नहीं हुआ कुछ पहले मिले वो बुला करके गुवाहाटी में, लेकिन उनका जो खेल है जितना आम आदमी समझता है, आप समझिए कि ये जो नाव चलाने वाला व्यक्ति है बेहद गरीब, वो हमारी बातें सुन रहा था और ले जा रहा था हम लोग को, तो उसने कहा अरे इस सरकार का एक नियम है, हम तो ठहरे खिलौंजिया मुसलमान को ये पाकिस्तानी कहेंगे, और उन लोगों को जो बंगला भाषी है उनको बांग्लादेशी कहेंगे। और हंसने लगा, तो हमने कहा ये आपने कैसे कहा, तो बोला हाँ हमको ये देश का थोड़ी मानेंगे, बोला यही तो सरकार का नियम है, इस सरकार का यही नियम है, और ये जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा, ठीक है, कि हम जो है वो तो पाकिस्तानी करार देंगे और उन लोगों को बांग्लादेशी करार देंगे, क्योंकि ये तो मुसलमानों को देश का मानते ही नहीं है बीजेपी वाले। तो इसमें वो जितना सफाई से समझे इस बात को, इतनी सफाई से असम के सारे लोग समझ पाए कि भाई वो ये असमिया वर्सेस बांग्लादेशी का खेल है। मेरा यही सवाल है इससे जुड़ा हुआ, वहाँ जो तमाम राजनीतिक संगठन है या दूसरे भी संगठन जो काम कर रहे हैं सामाजिक, उस पर उनका क्या रुख रहा और क्या भूमिका है? वहाँ पर जितने वामपंथी संगठन हैं और जितने इस तरह के समझिए कि कुछ और दल हैं, माने लेफ्ट की सारी पार्टीज़, उसमें अजीत भुइयां के लीडरशिप में जो पार्टी है वो दल भी, और जो प्रणब डोले जो कि चुनाव लड़े थे, विधायक का चुनाव लड़े थे, मिसिंग समुदाय के हैं वो भी, वो तो हमारी ही टीम में शामिल होकर के गए थे, हमारी टीम में मैं थी, क्लिफ्टन डिरोजारियो थे बाहर से, असम से बलिंद्र सैकिया थे और ये थे, और बिहार प्रणब डोले थे, और बिहार से हमारे विधायक थे रामबली सिंह यादव, घोसी के विधायक हैं। तो लेकिन ये असम के ये जो एक तरह से लेफ्ट प्रोग्रेसिव लीडर्स हैं ये तो खुद गए हैं सिप्रजार। जो नहीं, मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, वहाँ पर बाकी पार्टीज़ के लोग नहीं गए, कांग्रेस के नेता नहीं पहुँचे हैं, मेरे ख्याल से तो अखिल गोगोई नहीं पहुँचे हैं, उनकी पार्टी रायजोर दल के लोग नहीं पहुँचे हैं, और ये मैं सिग्निफिकेंट मानती हूँ कि एक तरह से वही लेफ़्ट के लोग जो एक तरह से थोड़ा बहुत मैंने इस पूरे चीज़ में एक हिम्मत दिखाना कि हम, और एक सफाई से इस चीज़ को कहना, इसमें डिफेंसिव होने के बजाय, कि भाई ये तो तमाम ये गरीब विरोधी सरकार है, मुस्लिम विरोधी सरकार है, गरीबों को तो वो सब जगह खदेड़ रही है ज़मीन से, सिर्फ यहाँ थोड़ी, पूरे असम भर में ज़मीन की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं जिसमें सारे समुदाय के लोग अफेक्टेड हैं।
तो उसमें ये बस इन लोगों पे, क्योंकि ये मुसलमान हैं और इनके कभी दादा पर दादा बांग्ला भाषी रहे होंगे, तो इन पर बांग्लादेशी का ठप्पा लगा दे रहे हैं और बांटने की कोशिश कर रहे हैं गरीबों को। ये खेल खेला जा रहा है बीजेपी के द्वारा। ये बात जो है लेफ़्ट के लोग कह रहे हैं, मेरी उम्मीद है कि लोग सुनेंगे। हम लोग पूरे असम में और भी जगह गए थे जहाँ लोग एविक्शन फेस कर रहे हैं या लड़ रहे हैं, और उन लोगों से बातचीत तो अच्छी हुई। असम का वो तबका तो समझ रहा है बात। अभी आप एक बात कह रही थी कि यहाँ से जो है जाते हैं, जब कोई बांग्लादेशी भी बांग्लादेश जाता है तो उसको भी पकड़ लेते हैं सब, ये क्या किस्सा है, ज़रा इसको समझाइए। कुछ महीनों पहले का एक खबर है, मैं लिंक आपको दे दूंगी, जिसमें बहुत मुझे दिलचस्प खबर लगी, क्योंकि उस खबर में हेडिंग ये था कि BSF के जवानों ने कहा है कि बॉर्डर पर बांग्लादेशी लोगों को जिन्हें वो पकड़ रहे हैं, वो उनकी संख्या ज़्यादा है ऐसे बांग्लादेशियों की जो भारत से बांग्लादेश जा रहे हैं इसकी तुलना में जो बांग्लादेश से भारत आ रहे हैं। तो इस पूरे न्यूज़ स्टोरी को जिन लोगों ने बनाया उन सब पे मेरा, और उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट शब्द का इस्तेमाल किया था, द हिंदू में भी स्टोरी आई थी, तो मैंने द हिंदू को, एडिटर्स को, पत्रकार को सबसे कहा था कि ये पूरी स्टोरी में आप लोगों की कई एडिटोरियल गलतियाँ हैं। पहला तो ये कि आप BSF का कोई कुछ कह रहा है या अलग बात, आपको कैसे पता कि ये बांग्लादेशी आपको कैसे नहीं पता कि इंडिया के लोग, बांग्लादेश सरकार तो कह ही रही है कि इंडिया के लोग इमिग्रेट कर करके अभी बांग्लादेश में अच्छा इकोनॉमी चल रहा है, भारत का इकोनॉमी को मोदी जी ने गड्ढे में डाल दिया है, तो यहाँ से लोग जाहिर सी बात है वहाँ जा रहे हैं। गरीब लोग हैं, वो बॉर्डर नहीं देखते, गरीब लोग पेट भरने के लिए इधर से उधर जाते ही जाते हैं, जैसे उधर से इधर भी आएंगे। आपको कैसे मालूम कि यहाँ से वहाँ जाने वाले बांग्लादेशी हैं? ठीक है, ये आप भाषा से समझ रहे हैं, किस चीज़ से समझ रहे हैं? भाषा तो बांग्ला यहाँ भी बोलते हैं उधर भी बोलते हैं, तो पहला तो ये। दूसरा, ये इलीगल इमिग्रेंट क्या चीज़ है? इलीगल इमिग्रेंट, कम से कम पत्रकारों को ये शब्द अवैध प्रवासी, ये तो अप्रवासी, इसको तो यूज़ करना छोड़ देना चाहिए। अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट आप बोल सकते हैं, जिसके पास कागजात नहीं है। न सिर्फ ये, भारत में अनडॉक्यूमेंटेड नागरिक ही ज़्यादा है। डॉक्यूमेंट किस नागरिक के पास होता है? डॉक्यूमेंट बहुत कम नागरिकों के पास होता है, इसीलिए आपको अनडॉक्यूमेंटेड, तो ये तो डॉक्यूमेंट ना होना इसकी वजह से आप नागरिक नहीं हैं ये तो नहीं माना जा सकता। तो ये वहाँ की सच्चाई है, और ये तो सिर्फ असम में नहीं, ये आपके पूरे बॉर्डर पे कहीं भी आप ले लीजिए। तो जाहिर सी बात है, अगर इस किसी खास समय में आपके बगल के देश में अगर इकॉनमी अच्छी चल रही है, बम चल रही है, आपके यहाँ ख़राब है, तो लोग जाएंगे इधर से उधर, जैसे उधर से इधर आएंगे अगर यहाँ ज़्यादा अच्छा चल रहा होगा तो। अब आखिरी सवाल, क्या माना जाए कि जो NRC और CA से उम्मीद थी BJP को कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे और उसके आधार पर एक बड़ा जो कम्युनल पोलराइजेशन और बड़ा थ्रेट जो पैदा कर सकते हैं देश के अंदर, वो नहीं हुआ है, तो अब उसको उस रूप में ना ले आके एक दूसरा रास्ता अपनाया गया है कम्युनल पोलराइजेशन के लिए और हेट्रेट के लिए, जिसमें किस तरह की एक इलीगल है अपने तरीके से, लेकिन इस तरह से अब सीधे हमला सीधे जो है वो किया जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये बात मैं तो मानती हूँ कि ये जो हुआ है असम में, ये उसी NRC वाली राजनीति का ही हिस्सा है, इसका ही कंटिन्यूएशन है, इससे उससे काट के नहीं देखना चाहिए। देखिए, CA NRC से जो हुआ एकदम, मैंने ये अगर हम मानते हैं कि उससे नहीं हुआ पोलराइजेशन, उससे नहीं हुआ नफ़रत का फैलाना, ये शायद हम गलत समझेंगे, हुआ है कुछ हद तक, और ये और करेंगे, ये कल NRC नहीं करेंगे देश में, नहीं करना चाहेंगे, ये CA नहीं लागू करेंगे, ऐसा नहीं है, कभी ना कभी हो सकता है करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वो बहुत सारे प्रैक्टिकल जटिलताओं में फंसा है, क्योंकि असम बंगाल की राजनीति जो है ये, उनको बंगाल में भी चुनाव लड़ना था, बंगाल में जो लोग हैं वो NRC के खिलाफ थे, असम में लोग CA के खिलाफ थे, NRC के पक्ष में थे, तो और ऑल इंडिया NRC के पक्ष में ना या असम के लोग थे ना बंगाल के लोग थे, तो ये जटिलताएं थी, तो BJP के हाथ कुछ हद तक बंधे हुए थे, ठीक है, लेकिन फिर कोविड भी है, सब कुछ है, लेकिन कभी ना कभी तो ये BJP का कोर पॉलिटिक्स है। लेकिन समझिए कि इस पूरे पॉलिटिक्स के नीचे यही है कि ये चाहते हैं मुसलमानों को हम देश का न माने, उनको हम कभी पाकिस्तानी कह दें, कभी बांग्लादेशी कह दें, कुछ कह दें, लेकिन इनको हम खदेड़ें। और ये इसलिए मानते हैं क्योंकि आज से थोड़ी कह रहे हैं इस बात को, ये तो इनके गोलवालकर तब कह गए जो भारत तब आज़ाद हुआ था, तब भी ये कह रहे थे इसी बात को, इसीलिए ये कल गोडसे को ट्रेंड करा रहे थे, क्योंकि ये कह रहे थे कि गांधी जी को मारना, बिल्कुल गांधी जयंती के दिन गोडसे को ट्रेंड करा रहे हैं, और पीयूष गोयल ऑफिस द्वारा फॉलो किए गए हैंडल्स और BJP के ऑफिशियल मैंने ऑफिशियल लोग जो हैं IBVP के नेता, BJP के लोकल नेता, वो सब ट्विटर पर ये कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि ये तो यही चीज़ जो आज कह रहे हैं ना, वो तब भी कह रहे थे, तब तो कुछ भी नहीं था, तब तो देश जस्ट तभी विभाजित हुआ था, तब भी वो यही कह रहे थे। तो कभी चाहते ही नहीं थे वो दरअसल कि यहाँ पर मैंने कोई देश रहे जिसमें मुसलमान भी रहे, ईसाई भी रहे, दूसरे धर्म के लोग रहे। मैं एक और चीज़, आपने कहा आखिरी सवाल, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बोलने वहाँ जिस परिवार के लोगों से, मैंने माइनल के परिवार से जो हम लोग मिले, वो समझिए कि बिल्कुल मतलब दिल दहलाने वाला सत्रह का था। हम जब वहाँ पहुँचे तो उनकी जो छोटी बच्ची थी वो ज़ोर से रो रही थी, और उन्होंने कहा कि वो दो दिन हो गए हैं वो घटना के बाद से, वो रोना बंद ही नहीं की है, और वो खाना नहीं खाई है, पानी नहीं पी है तब से, ठीक, और बस ज़ोर से रो रही थी। किसी तरह हमने उसको शांत किया, किसी तरह उसको पानी में थोड़ा चीनी और नमक घुला करके थोड़ा पिलाने में हम सफल हुए, शांत किए थोड़ा। लेकिन नहीं, उसको सोच करके हमको लगा कि एक छोटी सी बच्ची और उसका भाई, ठीक है, बस दो बच्चे हैं, एक बेटा है थोड़ा सा 10 साल का होगा और ये 11 साल का होगा, और ये 8 साल की बच्ची होगी, और किसी के पिता का ऐसे छिन जाना आपसे, और मैंने क्या बीतेगा ऐसे बच्चों पे, क्या होगा इनको? अच्छा, इनके लिए सिर्फ आप खाना पीना सोचेंगे या इनके मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या सोचेंगे? इनके मैंने इनको अगर आपको न्याय देना है, भाई न्याय का मलहम कौन लगाएगा यहाँ पर, क्या न्याय कहलाएगा? पिता को तो आप लौटा नहीं सकते, लेकिन कम से कम ये मानना कि भाई ये जुर्म हुआ आपके पिता के साथ, आपके पिता जो हैं वो गलत आदमी नहीं थे, वो अच्छे थे, ये काम कौन करेगा? या उनके छोटा बच्चा जो मारा गया वहाँ, तो दूसरा लड़का वो तो आधार कार्ड अपना बनाने गया हुआ था शेख फरीद, उसको गोली मार दिया। तो ये सोचिए कि कैसे, मतलब कितनी भयानक क्रूरता है, और एक तरह से पूरी दुनिया में शर्मिंदा करने वाला ये कांड है। बिल्कुल, जैसा कि कविता जी ने कहा कि पूरी दुनिया में शर्मिंदा करने वाला कांड है, और वो नागरिक भारत के रजिस्टर में नागरिक के तौर पे दर्ज हैं एनआरसी, और उसमें उनके रजिस्टर में उनका नाम है, उनको जो है खाली कराया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है। इस देश के अंदर 70 सालों की उपलब्धि यही है, कभी इस देश का नागरिक कहीं सुरक्षित नहीं है, अगर सरकार चाहती है किसी को तो कहीं से उजाड़ सकती है, और ज़रूरत पड़ने पर उसके सीने में गोली मारी जा सकती है, और ना तो एक जो है पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी, ना उसको आदेश करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई सोची जा सकती है। भारतीय राजनीति में 70 सालों की उपलब्धि, असम में जो चमक रही है वो पूरे दुनिया को शर्मसार कर रही है, यही कहा जा सकता है। पूनम मसीब के साथ मैं महेंद्र विश्व, जनचौक के लिए।